हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पाकिस्तान सुपर लीग T20 के मुकाबले की, जो ये खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जालमी के बीच में लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 10 मार्च को शाम के 7:30 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है डी स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर मैं लाहौर के पिच रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा बैटिंग मैदान है। इस मैदान के ऊपर काफ़ी लंबे लंबे स्कोर बनते हैं, बड़े बड़े हिटे जाती है इस ग्राउंड के ऊपर, तो वापस से बड़ा स्कोर होगा इस ग्राउंड पे। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले चेज ही करना चाहेगी इस ग्राउंड के अंदर भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम टीम लाहौर कलंदर्स के बारे में। लाहौर की टीम ने शुरुआत बहुत ही खराब की थी टूर्नामेंट की, पर अपनी वापसी कर रही है। अब टीम लगातार काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल के दिखा रही है, तो वापस इस मैच के अंदर भी लाहौर की टीम अच्छा खेलना चाहेगी इस मैच के अंदर। बैन डंक ने बहुत ही कमाल की बैटिंग करी है लाहौर की टीम के लिए। पिछले मैच के अंदर ही बैन डंक ने 99 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली और बताया क्यों वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है T20 क्रिकेट के अंदर। जब से बैन डंक टीम में आए हैं तब से उनका फॉर्म काफी ज्यादा जबरदस्त है और वापस इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। बैन डंक ने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया होगा लाहौर की इस साइड को। सोहेल अख्तर ने भी पिछले मैच के अंदर एक काफी अच्छी पारी खेली। सोहेल अख्तर टीम के कप्तान और वो ओपनिंग करने आ रहे हैं। सोहेल अख्तर भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर, पिछले मैच में बहुत ही जबरदस्त खेला, वापस इस मैच के अंदर भी सोहेल अख्तर काफी अच्छा खेलना चाहेंगे। उसके अलावा सोहेल अख्तर काफी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं टीम को, वो काफी अच्छे से बॉलर्स को रोटेट भी करते हैं कप्तानी, तो वापस सोहेल अख्तर अच्छा खेलेंगे और अच्छी कप्तानी करना चाहेंगे इस मैच के अंदर। मोहम्मद हफीज ने भी काफी अच्छी बैटिंग करी इस टीम के लिए। मोहम्मद हफीज नंबर 3 के ऊपर आते हुए काफी स्टेबल बैट्समैन, उसके अलावा वो काफी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। वापस मोहम्मद हफीज में एक्सपीरियंस फायदा उठाना चाहेंगे और इस मैच में वो अच्छा खेलना चाहेंगे। फखर जमान ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया लाहौर की इस टीम के लिए। फखर जमान एक काफी अच्छे प्लेयर है T20 के, अगर वो कंटिन्यू करेंगे बहुत जबरदस्त बात होगी, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी उनके लिए आखिरी के मैच आ रहे हैं, तो यहाँ पे फखर जमान को अच्छा खेल के दिखाना पड़ेगा, वरना वो भी टीम से ड्रॉप जरूर हो सकते हैं। अगर मैं बॉलिंग के बारे में बात करूँ तो समित पटेल ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी इस टीम के लिए। समित पटेल एक काफ़ी अच्छे स्पिन बॉलर है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ तो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त रही लाहौर के पास। शाहीन अफरीदी काफ़ी अच्छे लेफ्ट आर्म सीमर है, काफ़ी बॉल को स्विंग कराते हैं। वापस इस मैच के अंदर भी शाहीन अफरीदी अच्छी बॉल डालना चाहेंगे। लास्ट मैच में मास खान ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी, मास खान भी काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर, जरूर से वो भी इस मैच के अंदर अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो लाहौर के पास एक अच्छी टीम लग रही है फाइनली, और ये टीम अच्छे फॉर्म में भी लग रहा है। मैं लाहौर की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं तो ओपनिंग करेंगे सोहेल अख्तर और फखर जमान, नंबर 3 में मोहम्मद हफीज, नंबर 4 पे बैन डंक, नंबर 5 पे डेन विलास, नंबर 6 पे समित पटेल, फिर डेविड वीसा, शाहीन अफरीदी, दलभर हुसैन, मास खान और आखिरी में सलमान इरशाद। तो ये टीम होती लाहौर की, और लाहौर की टीम ये मुकाबला जीतना चाहेगा और जरूर टॉप ऑफ टेबल जाना चाहेगा आगे करके। अब मैं बात करता हूँ पेशावर जालमी की टीम के बारे में। पेशावर जालमी की टीम अभी अच्छे फॉर्म में लग रही है, ये टीम फिलहाल सेकंड पोजीशन पर चल चुका है। अभी भी टीम के 2 मैच बचे, वो टीम अगर 2 में से 1 मुकाबला पे जीत लेगा तो टीम प्लेऑफ में जरूर से पहुंच जाएगा। तो वापस से पेशावर जालमी के पास भी काफ़ी अच्छी टीम है और ये टीम अगर 2 में से 2 मुकाबले जीतने की पूरी कोशिश होना चाहेगी। पेशावर के लिए पिछले मैच टॉम बेंटन ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करके बताई थी। टॉम बेंटन ने काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है, T20 अगर फॉर्म में रहेंगे तो पेशावर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। कामरान अकमल ने भी अच्छी बैटिंग करी इस टीम के लिए। अकमल पीएसएल की हिस्ट्री के आज तक सबसे बेस्ट बैट्समैन रहा, तो वापस इस मैच के अंदर भी अकमल एक अच्छी पारी खेलना चाहेंगे और यहां का बैटिंग ट्रैक जरूर से अकमल को रास भी आएगा। तो वापस से टॉम बेंटन अकमल के ऊपर अच्छी बैटिंग करने की जिम्मेदारी होने वाली है पेशावर की इस टीम के लिए। शोएब मलिक ने भी कुछ काफी अच्छी पारी खेली पेशावर के लिए। शोएब मलिक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, जरूर से इस मैच के अंदर भी वो बड़ी पारी खेलेंगे। उसके अलावा बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर दे सकते हैं। यंगस्टर हैदर अली ने भी काफी तेज खेला इस टीम के लिए। हैदर अली काफी अच्छे अंडर 19 के प्लेयर हैं, काफी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, काफी लंबे हिटे मारते हैं। इस मैच के अंदर भी हैदर अली एक बड़ी पारी खेल के टीम को हेल्प करना चाहेंगे। तो पेशावर के पास कुछ काफी अच्छे बैट्समैन हैं और T20 के अंदर ये काफी जबरदस्त खेल के दिखाते हैं। कार्लोस ब्रैथवेट ने भी अच्छा खेला इस टीम के लिए। ब्रैथवेट एक काफी अच्छे T20 के बैट्समैन, उसके अलावा उनकी बॉलिंग भी काफी जबरदस्त है। पिंच हिटिंग के लिए ब्रैथवेट एक काफी कमाल के प्लेयर है। टीम ने डेरन सेमियो टीम में कोच बना दिया है, तो डेरन सेमियो खेलते हुए नहीं दिखेंगे, वो कोचिंग करेंगे टीम की। और कप्तानी मिल चुकी है वहाब रियाज को, वहाब रियाज ने अच्छी कप्तानी करी अब तक टीम की। वहाब रियाज खुद भी काफी अच्छे लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं, हालांकि उनको और विकेट निकाल के देने पड़ेंगे टीम को, पर उसके अलावा उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी और वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। यासिर शाह की लेग स्पिन भी काफी जबरदस्त है पेशावर की टीम के लिए। यासिर शाह काफी एक्सपीरियंस बॉलर है पाकिस्तान के, इस मैच के अंदर विकेट निकाल के देना चाहेंगे और काफी जबरदस्त बॉलर है यासिर शाह भी। साथ ही साथ में हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग करी है टीम के लिए, भले उनको विकेट ना मिले हसन अली को, पर उसके अलावा हसन अली की इकोनॉमी काफी जबरदस्त है पेशावर के पास। तो पेशावर के पास भी काफी अच्छा स्क्वाड है। पेशावर नंबर 2 पे चल रहा है, पेशावर 2 मैच जीत जाएगा तो टॉप 2 में भी खत्म कर सकता है, इसलिए पेशावर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मुकाबले होने वाले आगे वाले।
रहे हैं। अगर मैं पेशावर की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूँ, ओपनिंग करेंगे कामरान अकमल और साथ में होंगे इमाम मुल्हक, नंबर 3 पर टॉम बेंटन, नंबर 4 पर हैदर अली, नंबर 5 पर शोएब मलिक, नंबर 6 पर लियम लिविंगस्टोन, फिर कार्लोस ब्रैथवेट, वहाब रियाज, हसन अली, राहत अली और यासिर शाह। तो ये टीम होती है पेशावर जालमी की और पेशावर जालमी की टीम भी ये मुकाबला जीतने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। आप मुझे पोल में बताने मैच कौन जीतने वाला है, पेशावर जालमी या मैच जीता है वो टीम होगी लाहौर कलंदर्स की। अब जरूर से बताना मुझे पोल के अंदर इस मैच की ड्रीम टीम आने वाली है कुछ स्क्रीन के ऊपर। अगर मेरे वेट के बारे में बात करते हो, दोनों ही टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पेशावर भी अच्छे फॉर्म में, लाहौर भी काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, लेकिन ये मैच होगा लाहौर के ट्रैक के ऊपर और लाहौर का ट्रैक बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस ट्रैक के ऊपर चेसन आसान है, जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी और जो पहले बॉलिंग करेगी उसको फायदा होगा, जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी और चेस करेगी वही टीम ये मुकाबला जीतेगी। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो का पसंद जरूर सही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियोज़ देखने के लिए। हमारी वीडियो यहाँ बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी अपने छोड़ियों के अंदर। और याद रखिएगा, आप स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।